नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा तहसील बबेरू अंतर्गत उत्पादन मंडी समिति बबेरू से एक मामला सामने आया है, जहां व्यापारियों के द्वारा किसानों का धान खरीदा जा रहा है, लेकिन धान की तौल 62 किलो 250 ग्राम की जाती है, परंतु भुगतान 7 किलो का दिया जाता है। साथ में भुगतान पर 2% की अतिरिक्त कटौती करके भुगतान किया जाता है। व्यापारियों द्वारा चेक से भुगतान करने पर चेक में 10 से 20 दिन बाद की तारीख डाल कर दी जाती है, जिससे किसानों के साथ दिन दहाड़े लूट किया जा रहा है। इस संबंध में हमने महीनों पूर्व से जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, किंतु अभी तक पूर्ण रूप से ग्वाला के धंधे में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई, न ही व्यापारियों को दंडित किया गया, जिससे व्यापारी बेपरवाह हैं। आज पुनः उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू के समक्ष शपथ पत्र देकर तत्काल व्यापारियों के द्वारा लूटा हुआ अतिरिक्त धान वापस दिलवाते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने का आग्रह किया। उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू ने भरोसा दिलाया कि हम शीघ्र व्यापारियों की जांच कर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बांदा से प्रबंधन कुमार की रिपोर्ट। जनसेवक जी, आज किस समस्या को लेकर के आप बबेरू तहसील आए हैं? आज बबेरू तहसील हम इस समस्या को लेकर के आए हैं, जो समस्या पूर्व कई महीनों से हम लोग किसानों के साथ जो धान खरीद मंडी बबेरू में सचिव साहब हुआ व्यापारियों की मिली भगत से किसानों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा था। 62 किलो 250 ग्राम की तौल होती है, लेकिन किसानों को 60 किलो का ही पैसा दिया जाता है। इस संबंध में जब किसान बात करता है तो सुखवन और बोरा के नाम से शेष तौल को काट दिया जाता है, प्लस जब भुगतान होता है तो 2% अतिरिक्त कटौती की जा रही है। कुल मिला के दिन दहाड़े लूट किसानों के साथ की जा रही थी। किसान महापंचायत भी हुई, जागरूक किसानों ने भी आवाज़ उठाई, हम समाज सेवियों ने भी उच्च अधिकारियों की आवाज़ उठाई, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी महोदय बबेरू ने हमसे शपथ पत्र के साथ शिकायत करने का आह्वान किया कि मैं निश्चित तौर पर कार्रवाई करूंगा। किसानों का जो गमन किया गया है, ये धन अवैध वसूली की गई, उसको वापस कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई। उस समक्ष में हम लोग आज शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत करने बबेरू SDM साहब के पास आए हैं। हमें निश्चित भरोसा है, विश्वास है कि इन पर कार्रवाई होगी और जो किसानों के साथ लूट हुई है किसानों को वापस दिलाया जाएगा, और जब तक ये कार्य नहीं होता तब तक अनगिनत साथी हमारे साथ लग करके हम लोग अंतिम लड़ाई को पहुंचाने का काम करेंगे। आपका नाम? PC पटेल, जनसेवक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव TV।